हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में संचालित इंस्पायर अवार्ड मानक प्रतियोगिता के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर के मैदान में जनपद स्तरीय 6 दिवसीय प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पवार ने किया। उन्होंने कहा कि मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि विज्ञान प्रदर्शनी में टिहरी जनपद प्रदेश में वर्ष 2018-19 में प्रथम तथा राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल करने में कामयाब रहा। नरेंद्र नगर से बलवंत रावत की रिपोर्ट। तो मैं आप लोगों को माननीय मंत्री जी का प्रतिनिधि होने के नाते जो भी बच्चा राष्ट्रीय स्तर में पहुंचेगा उसको लैपटॉप दिया जाएगा। यह मैं माननीय मंत्री जी की तरफ से माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि की तरफ से एक बच्चा निकले, दो बच्चे निकले, तीन निकले, जो भी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगा स्टेट से ऊपर उसको एक लैपटॉप दिया जाएगा। उसका आप का नाम और पद? मैं दिनेश चंद्र गौड़, मुख्य शिक्षा अधिकारी हूँ जनपद टीकरवाल में। आज नरेंद्र नगर में इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता आयोजित की गई है बच्चों की, इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये हमारी जनपद स्तर की प्रतियोगिता है इंस्पायर अवार्ड मानक वाला, इस साल वर्ष 2019 की, जिसमें हमारे जनपद से 881 बच्चे चयनित हुए हैं जिनके भारत सरकार द्वारा जिनके खातों में सीधे 10,000 रुपया ट्रांसफ़र किया गया है। और ये जनपद स्तरीय प्रतियोगिता होती है हमारी, जिसमें कि बच्चे जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उस प्रोजेक्ट को लेकर के और फिर यहाँ पर उनका मूल्यांकन होता है और यहाँ से फिर स्टेट मानी जो हमारी 881 है उसमें से 10% बच्चों का प्रोजेक्ट सेलेक्ट होकर इस स्टेट लेवल में जाएगा। इस साल 2018-19 में कौन से नंबर पर आया सर आपका टीजी गढ़वाल जनपद? इसमें हम लोगों इंस्पायर अवार्ड में हम पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर हैं, क्योंकि करीब 26,000 का अवार्ड हुआ है, जिसमें से 881 अवार्ड जो है हमारे खाते में जो बच्चों का पैसा आया है, 881 बच्चे हमारे टिहरी के हैं। और हमने ये भी सुना है कि स्टेट में पहले नंबर पर और देश में दूसरे नंबर पर आया है, क्या ये सही बात है? जिलों में तो है, जिलों में तो क्योंकि हमारा काफ़ी बच्चों का हमारा नॉमिनेशन हुआ है, इसमें पैसा मिला है और इसका बहुत तो अभी हमें तो देखना पड़ेगा, लेकिन ये निस्संदेह है कि काफ़ी अच्छा स्थान हमारा होगा पूरे देश में भी, क्योंकि 881 एक जिले से मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। मुख्य उद्देश्य क्या है सर इसका, क्योंकि ये विज्ञान के ही मामले में होता है, विज्ञान विषय के विषय? मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच और बच्चों को आगे, जैसे इसमें जो बच्चा निकलता है उनका जो आइडिया होता है, हमारे जितने बच्चों के आइडिया होंगे, किस बच्चे का आइडिया सेलेक्ट होता है और सेलेक्ट होने के बाद वो उस पर काम करता है और यही बच्चा फिर आगे जा करके साइंस स्ट्रीम में विज्ञान वर्ग के रूप में पंजीकृत होता है और फिर वहाँ से भी 80,000 रुपया पर ईयर की व्यवस्था है, जिसका टॉप 10% अगर वो नंबर लाता है तो किसी को फोटो को नगर पालिका कार्यालय में आप लगवाने का टेस्ट करिएगा, ठीक है? ये है टेक्नोलॉजी। दूसरा काम क्या है, टेक्नोलॉजी का एक मकसद होता है। कर सकते हैं, मैं साथ में अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का आपका भी स्वागत करती हूँ कि आपके निर्देशन में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं यहाँ पर जो विभिन्न